पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदू एवं सिख समाज के लोगों की टारगेटेड किलिंग के विरोध में दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडित एवं संगठनों ने राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड बंद होना चाहिए तथा उन्हें पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी जन्मभूमि कश्मीर में वापस जा सके। तो ये हमारा इवेंट इसलिए हो रहा है, जो अभी रिसेंटली माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हुई है कश्मीर में, उसको लेके हो रहा है। तो अभी पिछले एक महीने में 28 किलिंग्स हुई है इनोसेंट्स की कश्मीर में, उसमें हो रहा है। 90 में भी ऐसी ही किलिंग हो रही थी माइनॉरिटीज़ की, 2021 में भी फिर से वही माइनॉरिटी किलिंग हो रही है। नहीं, 1990 के जो दहशत पैदा किया गया था और माइनॉरिटी को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, क्या वही सिचुएशन पैदा किया जा रहा है? वैसा ही सिचुएशन है अभी भी। एक आपने एक कश्मीरी पंडित जो 30 साल से नहीं निकला था उसको मारा गया, वो एक केमिस्ट की दुकान चला रहा था। ऐसे ही एक इनोसेंट लेबरर को मारा जो गोलगप्पे बेच रहा था वहाँ पे। ऐसे किसी दो टीचर्स को मारा, दो सर, एक हिंदू टीचर को मारा, एक स्कूल के प्रिंसिपल सरदार नहीं थी वो, उसको मारा। सो ये तो वैसा ही दहशत है जो 90 में होता था। सबसे बेस्ट इलाज है, जब तक जेनोसाइड नहीं मानेंगे कश्मीर में, जब तक जेनोसाइड एड्रेस नहीं होगा तब तक कोई गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कामयाब नहीं होगा। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम प्राण रैना है और मैं जब 25 साल का था तब निकला था कश्मीर से, ज़बरदस्ती हमें निकाला गया था वहाँ पे। और लेकिन जब से मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, हमें पूरी उम्मीद है, उन्होंने बहुत काम किया कश्मीर के लिए और हमें आगे भी उम्मीद है कि वो करेंगे। लेकिन ये थोड़ा टेम्प्रेरी जो उन्होंने दोबारा शुरू किया है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि ये सब कंट्रोल होएगा और पक्का हम वापस जाएंगे और इज्जत से रहेंगे और फिर रहेंगे। और लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी रोटी रोजी बंद हो गई है 370 हटाने के बाद, उनका ये सब किया हुआ है, इस वजह से वो ये सारा करवा रहे हैं। वो आपको पता है, वो सारे जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वो सब है जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई। जो जब तक मिनिस्टर थे तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद करते थे, लेकिन जब एक बार सीट निकल गई तो बौखला हट आ गया। ये घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि जो गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कश्मीर का है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि जो कश्मीरियों की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती लोगों ने हड़प की थी उसको वापस देना पड़ेगा उनको। तो ये उसी की फ्रस्ट्रेशन है। अब ये तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में कश्मीरी पंडित डरने वाला नहीं है। 90s की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। हाँ, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, हम जाएंगे और रहेंगे वहाँ पर। जैसे अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि इनके बहुत सारी पार्टीज है, इनका कोई नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि हम कश्मीर जाएंगे, इज्जत से रहेंगे और अपने घरों में फिर बसेंगे। हमारी मांग है कि हमें कश्मीर में वापस भेज दीजिए और इज्जत से भेज दीजिए और हमें अपने घर में बसा दीजिए। और जो ये है, ये करवा रहे हैं, उनको आप एक्शन कीजिए ज़बरदस्ती जल्दी, ताकि हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं कुछ हो रहा है। कश्मीरी पंडित अपने घरों से बाहर है, आज यह स्थिति है जो 90 में थी।
स्थिति 90 में थी कश्मीरी पंडितों के लिए, वो आज भी वैसे ही है। हमारे डिमांड क्लियर है पिछले 30 साल से, कश्मीरी पंडितों को एक सेपरेट होमलैंड क्रिएट हो जाए। इन घटनाओं से जाहिर है कि एक बार फिर से हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग करके कश्मीर में रह रहे गैर मुसलमानों में 1990 वाली दहशत पैदा करने की कोशिश की गई है, ताकि वह दहशत में एक बार फिर से कश्मीर छोड़ने को विवश हो। अब प्रश्न यह है कि आखिर मुस्लिम बहुल कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू क्यों नहीं रह सकते? इस्लामी कट्टरपंथियों को मुट्ठी भर हिंदू एवं सिख बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहे? पूरे देश को आज आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि 2021 को 1990 नहीं बनने दिया जा सकता। अगर आज आवाज़ नहीं उठाए तो फिर बहुत देर हो जाएगी।